हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ईडीडी कैलकुलेशन के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो लेकर आई हूँ। इस टॉपिक के लिए मुझे अहल्या बाग ने रिक्वेस्ट किया था, सो अहल्या दिस इज़ फॉर यू। तो इस वीडियो में हम नेगलीज फॉर्मूला के थ्रू किस तरह से ईडीडी कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखेंगे। द प्रपोजिशन दैट अ प्रेगनेंसी इज 40 वीक्स और 280 डेज इज इन ड्यूरेशन इज एट्रीब्यूटेड टू जर्मन ऑब्स्टेट्रिशियन फ्रांस नेगली। फ्रांस नेगली नाम के एक ऑब्स्टेट्रिशियन ने ये प्रपोज किया था कि अगर प्रेगनेंसी को हम 40 वीक्स या 20 डेज का मानकर चलें तो हम इस रूल के हिसाब से एलएमपी के हेल्प से ईडीडी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हिज रूल एड्स 9 मंथ्स एंड 7 डेज टू द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कन्फाइनमेंट फ्रॉम दिस फॉर्मूला इज अप्रॉक्सीमेटली राइट इन मेजोरिटी ऑफ केसेस। सो फॉर एग्जाम्पल, हम मैंने यहाँ पे एक एलएमपी लिया है जैसे कि 10/4/2021। तो इसमें हम पहले 9 मंथ्स ऐड करते हैं तो इट कम्स टू 10/1/2022। अगर हम अप्रैल में से अगर हम गिनना शुरू करें मई जून जुलाई अगस्त लाइक दैट फॉर 9 मंथ्स, देन इट कम्स टू जनवरी। ओके, सो हमने पहले सिर्फ 9 मंथ्स ऐड किया, उसके बाद हम पहुँचे कि 10/1/2022 में। देन वी हैव टू ऐड 7 डेज टू दैट डेट। सो 10 + 7 किया तो 17/1/2022 ये हमारा ईडीडी रहेगा। मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है क्योंकि काफ़ी बार ये मिस्टेक हो जाता है स्टूडेंट से कि इफ़ द डेट फॉल्स एट द एंड ऑफ मंथ, लाइक फॉर एग्जाम्पल 27/5/2021 का अगर डेट है एलएमपी, अगर हमने उसमें 9 मंथ्स ऐड किया तो इट कम्स टू 27/2/2022। सो अभी ये फेब्रवरी आया हुआ है, फेब्रवरी सपोज 28 डेज का रहता है और जब हम इसमें 7 डेज ऐड करेंगे तो फिर वो उसका मंथ भी चेंज हो जाएगा। सो हाउ वी विल ऐड, लाइक वी विल ऐड 7 डेज, लाइक 28 नेक्स्ट जो है 28 फेब, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च एंड सो ऑन। जब हम ऐसे ऐड करेंगे तो इट कम्स टू 6 मार्च। सो देयर फोर ईडीडी जो रहेगा वो 6/3/2022 रहेगा। यूजली क्या होता है यहाँ पे, जैसे हमने क्या किया, ये जो आया उसमें हमने 7 डेज ऐड किया तो यहाँ पर सिर्फ मंथ हमने चेंज नहीं किया था, तो सेम गलती हम इसमें भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको जब हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी एलएमपी किसी भी मंथ के एंड में आ रहा है, 24/25 ऑनवर्ड्स ऐसे डेट में आ रहा है, तो आपका जो है मंथ फिर से एक मंथ आगे बढ़ जाएगा। नेगलिस रूल में एक और चीज है, जैसे कि या तो आप 9 मंथ्स ऐड कर सकते हैं या आप 3 मंथ्स डिडक्ट भी कर सकते हैं। नेगलिस रूल आल्सो इन्वॉल्व्स अनादर सिंपल कैलकुलेशन, ऐड 7 डेज टू द फर्स्ट डेट ऑफ योर एलएमपी एंड देन सब्ट्रैक्ट 3 मंथ्स एंड रिजल्ट विल बी सेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर एलएमपी नवंबर 1, 2021 है तो हम पहले उसमें 7 डेज अगर ऐड करते हैं तो इट कम्स टू नवंबर 8, 2021 एंड देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 3 मंथ्स, सो इट विल कम टू अगस्त 8, 2021 एंड देन चेंज द ईयर इफ नेसेसरी। दिस इज अ कॉमन सेंस कि जब हम 9 मंथ आगे जाएंगे तो वो ईयर जो है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने जैसे कि देखा नवम्बर का अगर एलएमपी था तो हम अगर 3 मंथ्स माइनस करते हैं तो 1, 2, 3 यू कम टू अगस्त, या फिर अगर आप उसमें 9 मंथ्स ऐड करते हैं तो इट कम्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, अगेन इट कम्स टू अगस्त। तो या तो नेगलिस फॉर्मूला में आप 9 मंथ्स ऐड करो या फिर 3 मंथ्स सब्सट्रैक्ट करो, बट 7 डेज आपको हमेशा ऐड करना है। नाउ वॉट इफ वुमेन इज नॉट हैविंग 28 डेज साइकिल। हम ये जो पिछला जो भी कैलकुलेशन हमने किया है वो हम ये मानकर चलते हैं कि वुमेन का 28 डेज का साइकिल है जिसके हिसाब से वो 14th डे में ओव्यूलेट हुई होगी, सो उसके हिसाब से हमने ईडीडी कैलकुलेट किया हुआ है। पर अगर हमें पता है कि कहीं कई बार वुमेन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बड़े भी रहते हैं और कई बार छोटे भी रहते हैं, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा। सो इन केस ऑफ लॉन्ग साइकिल्स, इफ इंटरवल ऑफ साइकिल इज लॉन्गर देन एक्स्ट्रा डेज टू बी एडेड। फॉर एग्जाम्पल, एलएमपी अगर 10/4/2021 है एंड क्लाइंट साइकिल इज 35 डेज, तो उसका एक्स्ट्रा डे कितना होगा, 35 - 28 किया तो 7 डेज एक्स्ट्रा, उसका जो साइकिल है वो 7 डेज लॉन्ग है, तो ये 7 डेज हमको इसके ईडीडी में ऐड करना है। ऐसे क्यों, हमने पहले भी देखा था कि 10/4/21 अगर एलएमपी है तो ईडीडी आता है 17/1/2022
टू, और उसमें हमें फिर ये जो एक्स्ट्रा डेज है वो ऐड करना है. सो हर LMP सॉरी EDD विल बी 24/1/2022. उसके बाद इफ द साइकिल इज शॉर्टर देन लेसर डे टू बी सब्ट्रैक्टेड. फॉर एग्जाम्पल अगर LMP अगेन आई हैव टेकन द सेम डेट 10/4/2021 एंड क्लाइंट साइकिल इज 24 डेज, सपोज 24 डेज का साइकिल है, तो 28 में से अगर हमने 24 माइनस किया तो 4 डेज छोटा साइकिल आ रहा है उनका, तो ये 4 डेज हमको EDD में से माइनस करना है. सो 17/1/2022 था, उसमें से हम 4 दिन माइनस करेंगे तो हर EDD विल बी 13/1/2021. आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. अभी मैंने ये वाला वीडियो जो बनाया था, इट वॉज लाइक वेन द पेशेंट नोज LMP, बट ऐसा कई बार होता है कि पेशेंट हैज़ फॉरगॉटन LMP, एंड इन दैट केस हाउ विल यू एस्टिमेट EDD, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज. बाय बाय.